छत्तीसगढ़ में आज हर तरफ हरेली पर्व की धूम है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी महिला मोर्चा ने हरेली त्योहार मनाया। इस आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल हुए। इस दौरान अरुण साव और महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने हल और कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की। इस दौरान अरुण साव ने कहा कि आज से ही त्योहारों की शुरुआत होती है। वहीं सीएम भूपेश बघेल के बीजेपी दिखावा न करे वाले बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल दिखावा न करे, हरेली का त्योहार सीएम भूपेश बघेल के आने के बाद से मना है, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता समृद्ध है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता समृद्ध रही है। हमेशा से लोक पर्व, लोक संस्कृति का ध्वज वाहक रहा है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। हरेली त्योहारों की शुरुआत है, किसान को समर्पित ये त्योहार है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, किसान भाइयों को हरेली की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज सावन सोमवार भी है, भोले बाबा की आराधना में सब लोग लगे हुए हैं। इस सावन सोमवार की भी मैं सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सीएम बघेल कह रहे हैं कि देखिए भूपेश बघेल जी दिखावा ना करें, हरेली का त्योहार भूपेश बघेल जी के आने के बाद मना है, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता, जैसा मैंने कहा, कि समृद्ध है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहारों को बड़ा उत्साह से, परंपरागत ढंग से मनाता है। उसी तरह से हम मना रहे हैं।